खबर बांदा जनपद से है। बबेरू कस्बे पर 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यक्रम के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कथा वर्णन एवं सुंदर झांकियों का प्रदर्शन किया गया और प्रांगण पर मौजूद श्रोताओं ने कथा करस्पान कर भाव विभोर हो गए। बता दें कि बबेरू कस्बे के सिद्धपीठ माँ मणिदाई मंदिर प्रांगण पर मुख्य यजमान रामप्रसाद गुप्ता पत्नी चित्रा गुप्ता के द्वारा 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के चौथे दिन सोमवार को कथावाचक पंडित श्री अजय शास्त्री जी अयोध्या धाम के द्वारा 52 भगवान एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव कथा का सुंदर वर्णन किया गया तथा भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां निकाली गई और कस्बा व ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए सैकड़ों की संख्या पर मौजूद श्रोताओं ने कथा करस्पान कर भाव विभोर हो गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पंडाल गूंज उठा। बताते चलें कि 30 नवंबर को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का विश्राम होगा और 1 दिसंबर दिन शुक्रवार को हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम पर ऋषि कुमार गुप्ता, शशि गुप्ता, रजनी गुप्ता, प्रीति गुप्ता और फुर्नीलू, सीमा ओसा, शिवाय गुप्ता, गुन्नू सौरभ गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में पर श्रोतागण मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। आज श्री कृष्ण जन्म की कथा थी, जो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। आज बहुत अच्छा आनंद आया कथा में। हमारे श्री धाम अयोध्या जी से आए हुए श्री राजा शास्त्री जी महाराज, बहुत ही आनंददायी कथा। यहाँ पर श्रद्धालुओं कितने संख्या में आते हैं? यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बबेरू, कमारशेन, आस पास के क्षेत्रों से बहुत जगह, मतलब सब श्रद्धालु आते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है, यहाँ बबेरू निवासियों को मणिदाई के इस पवित्र पीठ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे मुख्य आयोजक राम प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा किया गया और आज इस कार्यक्रम का चौथा दिवस था, जिसमें कल मैंने बता दिया था कि भगवान के जन्मोत्सव का ये उत्सव मनाया जाएगा और भक्तों ने आकर के सुंदर झांकी प्रस्तुत किया और हमारे कन्हैया जी का दर्शन किया, भगवान की बधाई को लूटा और लुटाया। यहाँ के भक्तों को बहुत आनंद की अनुभूति हुई। अब ये तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं, लगभग यहाँ 1 से 1.5 हजार व्यक्ति प्रतिदिन आता है।